पहली बार इतना बड़ा हमने नजदीक से किंग कोबरा देखा है, राजा सिंह गोल्डन गोल्डन किंग कोबरा गोल्डन किंग। यहाँ से निकल गए हुए सफारी की तरह चल रहे हैं, सफारी करनी है ना राजा जी। राजा जी नेशनल पार्क में सफारी करेंगे, देखते हैं देखते हैं। ये रोड से नीचे उतरते ही टिकट काउंटर बन गया, टिकट वाले भैया बैठे हैं गाड़ी आगे, वो जागी ही रोड पे आगे जाके वहाँ पे और गाड़ियाँ खड़ी है, वहाँ से स्टार्टिंग है। अच्छा जी जाएंगे कितने की टिकट है? 2650 दिन है टोटल। कितने घंटे की राइड होगी भैया? दो घंटे। थोड़ा बढ़िया साइटिंग करवा देंगे यार, क्योंकि हमने निकाला वाला शेर ना दिखा, अब जब निकाला नहीं दिखा तो यहाँ पे क्या हमारी गाड़ी है। ये हम पहुंच चुके हैं मोतीचूर गेट पे, राजा जी नेशनल पार्क। भैया ये हमारे साथ, क्या नाम भैया आपका? दीपक रावत है भैया। ये आज हमें गाइड करेंगे भैया, और ये चलो चलते हैं। ब्रिटिश टाइम का है, 34 का है, 1934 में ब्रिटिश टाइम का, 34 में ये पहली सेंचुरी है आगे। अच्छा, मोतीचूर सेंचुरी ये कब बनी थी भैया? ये 1948 में, भारत के फर्स्ट वो थे ना ये राज्यपाल गवर्नर, हाँ उनके नाम पर राजगोपालाचारी जी थे। अच्छा, राजा जी बोलते थे उनको प्यार से, कभी वो आए थे जब भारत की पहली सरकार बनी थी, जब 48 में तब आए थे। तब आए थे कॉर्बेट के बाद का है, सबसे पहला पार्क एशिया का वही है, भारत का भी और एशिया का भी है। बिल्कुल ही अटके भाई वहाँ से, ऐसा मिलेगा, ऐसा लगेगा जैसे तुम अलग जगह घुस गए हो, जैसे कि पता नहीं कौन से जंगल में घुस गए हो अभी आगे जाके। अच्छा, तुम ही मिलोगे यहाँ पे, तुम्हें ज़्यादा कोई फालतू और नहीं मिलेगा, फालतू गाड़ियाँ भी नहीं पाएंगी ना। तो ये अपना पर्सनल व्हीकल लेके आ सकते हैं यहाँ पे? नहीं, ये कोर्ट ने बंद कर दी है ना, कोर्ट ने बंद कर दी, प्राइवेट गाड़ी कोर्ट ने बंद कर दी है, पहले आती थी ये, अभी जो टैग मिला है पार्क में रजिस्टर्ड हो गए उसमें गाड़ी वही चलेगी। हाँ, तो उसमें सरिस्का गए थे हम तब, वो वहाँ पे तो अलाउड थी, मतलब ज़्यादा हैवी रास्ते पे अलाउड, गवर्नमेंट ने की ना अलाउड। हाँ, गवर्नमेंट ने, हाँ अभी वहाँ पे कोर्ट में मुद्दा नहीं गया वो किसी ने, ऐसा किसी ने डाल दिया। रास्ता ऐसा नहीं है भैया, ऐसा रास्ता नहीं है, बहुत प्लेन रास्ता है वहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर भी देखा रास्ता है। कितने हुए भैया यहाँ पे? राजा जी ने ये लगा ला 550-600 हाथी, 550-600 बहुत ज़्यादा। और लियोपार्ड भैया? लियोपार्ड राजा जी में ये लगा लो कि इंडिया में दूसरे नंबर पे है राजा जी लियोपार्ड के मामले में। अच्छा, इससे नंबर वन पे, सेकंड पे, नंबर वन का शायद मेरे ख्याल से हम तो साउथ में है कोई बात। अच्छा, साउथ, कोई साउथ में है। कर्नाटक, वही हाँ उसी साइड है, कर्नाटक साइड। कर्नाटक में भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से साउथ में फॉरेस्ट एरिया कर्नाटक में ही है। वहाँ तो गाँव में भी आ जाते हैं कहीं, काफ़ी आ जाते हैं गाँव में। अच्छा, यहाँ भी गाँव में दिखाऊंगा वीडियो अपने सामने, मैंने वो देखा भाई ना, देखा हुआ लेपर्ड एलिफेंट रात को, मेरा घर पास में ही है ना, रात को अपनी रोड पर रहते हैं बैठे हुए। अच्छा, सामने पूरा जंगल है। अच्छा, नदी है,
तो वहाँ पे रात को हिरन पानी वानी पीने आ जाते हैं, हिरन हाथी वगैरह लेपर्ड वगैरह हाइना भी आता है। एक अंदर छुप के खड़े हैं हाथी, एक यहाँ पे है, मतलब बच्चे भी हैं। इकट्ठे हो गए हाथी, ना ना इतनी चीज ना बच जा रही है, ये बहुत जाते है बनाएगा। आ रहे भैया इधर आल खेल के, इधर ही आ रहे हमारे पास, और बढ़िया बनेगी देख रहे हो, इधर इधर ही बच्चे छोटे हैं ना, इसलिए वो बच्चों को करने के लिए प्रोटेक्शन दे रहे हैं। पहली बार देखे जंगल में इतनी नजदीक से, हाँ। अब तक की सफारी में सबसे नजदीक से एलिफेंट देखे, बच्चे भी हैं छोटे छोटे, छोटे छोटे बच्चे भी काफी आती हैं इकट्ठे हो रखे हैं, वो कि भागो यहाँ से हमारे बच्चों को पकड़ ना ले, हमारी तरफ देख रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं भागो हमारे बच्चों के पास क्यों आ रहे हो, इधर ही देख रहे हैं। और आगे हाथी हाथी थे वो आगे, और दो तीन और झुंड आ गया हाथियों का, पूरा हाथियों का पूरा झुंड आ गया, गए हाथी। हाथी मेरे साथी, कितने सारे हाथी इकट्ठे हुए, वार्न कर रहे हैं बार बार, इन्होंने अपने दोस्तों को और बुला लिया, दो तीन दोस्त और आ गए इनके, अब इकट्ठे हो गए, आठ दस साथी हो गए, बच्चे भी इनके छोटे छोटे, अभी हमारे पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये बोल रहे कि हमारा इलाका है तुम कैसे आ गए यहाँ, किल किया हुआ ना डियर ने, डियर को किल किया हुआ है यहाँ शेर ने, टाइगर ने, पुराना बड़ा कुत्ता, हाँ पुराना, तीन महीने हुए इसको, तीन महीने हुए, ये स्पॉटेड डियर, अभी तक हाथी और हिरन दिखे हैं, बाकी देख रहे हैं अभी डेंस, हाँ बंदर भी दिखे हैं, बाकी डेंस फॉरेस्ट में जा रहे हैं अभी, और आगे वो टाइगर शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ ये चीज दिख रही है, बात भी है जंगल बहुत प्यारा है, बिल्कुल हरा भरा और मतलब मस्त व्यू है, अच्छा सरिस्का से तो बढ़िया अच्छा है, जंगल घने होंगे वहाँ पे साइटिंग ज्यादा नहीं होती, अच्छा बाकी किस्मत की बात है भैया, क्योंकि देखो आप खुद समझ सकते हो गर्मी का मौसम है, जानवर रहेगा अपने आराम से छाया होंगे, जहाँ घनी छाया मिलेगी जंगल की या पानी के आसपास होगा, अभी वो हाथी थे वो भी देखो घने जंगल में अंदर थे, घने से खुला जंगल इधर है, इधर मैदान इधर है, अभी मैदान में आप शाम को आएंगे, अच्छा इसलिए हम शाम को आए भैया कि देखेंगे, दिन में तो वैसे रेस्ट पे ही रहते हैं वो, दिन में तो दिखते भी काफ़ी कम,
ये नदी है। यार हाथी खड़े हो बगल में देख कहाँ है खड़ा हुआ अरे यहाँ तो बहुत है यहाँ भी बहुत है भैया पत्थर के ऊपर चढ़ गई 4x4 भाई ये आराम से निकल जाएगी उनको कुछ नहीं दिखाई दिखा भी है ना हाथी मिला इनको एक हाथी मिला है सिर्फ हाथी तो मेरे ख्याल एक ही मिला है हमें हमने बहुत ज्यादा देखी हाथी हाथी तो ऐसा है ना ये तो बड़े होते हैं हाँ दिख जाते हैं छुपते नहीं है ठीक है ना अब दूसरे जानवर में बिल्ली जो होगी बिल्लियाँ आप ये लगा लो कि जो बिल्लियाँ होती हैं वाइल्ड कैट्स होती हैं या फैट कैट्स होती हैं इनमें छुपने की एक बहुत बड़ी कला होती है उनमें तो माहिर होते हैं चालाक होती है दंगल में थोड़ी सी झाड़ी है ना ये यहीं पर लेपर्ड बैठ जाएगा ना देख नहीं पाओगे उसको आप देख हाँ इन झाड़ियों में आप टाइगर लेपर्ड को देख नहीं पाओगे अगर वो बैठ गया तो वो काफ़ी विशाल चीज़ है भैया तो सारी आसानी से दिख जाती है हाथी अगर जाएगा ना छुपना है तो भी आप देख लोगे उसको हाँ ये तो है कितना बड़ा है किंग कोबरा दिख गया भाई पहली बार इतनी नजदीक से देखा राजा जी नेशनल पार्क में छिप गया भाग गया उतरी गए कितना बड़ा था उतरी गए भाई मिलेगी ना यूट्यूब पे दिल्ली यात्री पे मिलेगी यूट्यूब पे दिल्ली यात्री फॉलो कर लो सारी वीडियो मिलेगी उसपे बिल्कुल पास में था दिखते ही ऐसे फंड फैला लिया दिल्ली यात्री लिखना यूट्यूब पर सर्च में मिल जाएगा 3 फीट ऊपर लंबा लो लेमट करना अभी 1 घंटे में डलेगी ट्रेन नोट्स लगा देंगे आपको डाल देंगे सामने जबरदस्त यही काम है पहले चलते रहेंगे अगर दिल्ली यात्री यूट्यूब पे थैंक यू इधर ही आ वाक्य वो ना हमारे पर खबर पड़ी दोबारा दिख जाए ना मजा आ जाएगा इधर ही आया था क्या बता रहे थे आप एक स्टोरी बता रहे थे किंग कोबरा ना ये हाँ। सांप तो भाग जाते हैं इसे देख करके सांपों का ना मैंने हमारे घर के पास है नाली सांप रहते थे तो मैंने देखा इसने एक सांप को इतना बड़ा बहुत बड़ा सांप था किंग कोबरा ने उसे पकड़ी उसकी मुंडी और उसको पानी में मार रहा अच्छा ये पटक पटक के मारता है ये पलटी खाता है ये ऐसे पकड़ के ऐसे पलटी खाता है खूब बड़े होते हैं ये इतना ही बड़ा जैसे ये अभी देखा था ये तो बहुत बड़ा विशाल था हमने 12 फुट का पहली बार देखा है इतना बड़ा सांप पास से देखना एक पास से ही इतना बड़ा किंग कोबरा ये फर्स्ट टाइम डिस्कवरी में जो बनाते हैं हां वो देखते इतने पास से हां वो भी कैमरे से भैया हां कैमरे से ही देखते इतने नजदीक जूम करके रिस्क नहीं लेता ना इतने पास से यहां गया फिर दिख जाए तो मजा आ जाए भैया आगे पीछे कर लो ये तो ऐसे लिए तो रोक दिया ना एक्साइटमेंट पूरी थी भैया की भैया ने डेड बंद अतुल ने सोचा अजगर है हां अजगर जी साला अगर पीछे तो पड़ा औड़ी तरह मोटा मोयू की रे एकदम देखा मैंने मैं फिर मैं रोक भैया ने देखा फिर वो देखते ऐसे फंड खा लिया उसने भाई कहानी भाई और दे जीप कैसे जैसे लॉयन दिखना है ना लॉयन है हां जैसे ये रेयर दिख गया ये भी रेयर ये तो रेयर चीज है ये उससे भी रेयर है ये चीज ज्यादा रेयर था हां ये दिखेगी नहीं ना ले टीवी भी नहीं दिखेगी ये तो उससे ज्यादा रेयर आइटम थी फिर बाद में ज्यादा बोलने लगे ना तो भाग गया तो भाग गया वो पीछे गाड़ी और आ गई थी ना ऐसा था ना जब हमारा रिएक्शन होता है ना रिएक्शन बस जहां हमारा रिएक्शन हुआ ना तब उसे देख करके डर गया उसको देख के वो वैसे भी ये डरपोक होते हैं सांप किंग कोबरा जो होगा ना किंग कोबरा ये बड़े सांप जैसे हमको डर लाभ होगा वो हराम नहीं होता वो हमें
और ये जितने बड़े होते हैं ये डरपोक होते हैं, भाग जाता आदमी देख करके जल्दी, ये नहीं करते कुछ ज्यादा। जैसे हमको डर लगता है इनको भी तो लगता है। किंग कोबरा अब इतना मोटा किंग करा है, लियोपार्ड। अरे जहाँ पे चौड़ चौड़ लेपर्ड भी है, चौड़ के बगल में चौड़ से थोड़ा पीछे इधर जाते भी थे पहले ही मोड़ पे, वो मोड़ जो ले चलो, अरे वो वहीं बैठता साला, चलो ले चलो देखिए, पीछे भाग भाग लिया था भैया, एकदम आगे भाग गया। अगर चिल्लाए ना तो पूरी इन्होंने वीडियो बनाई, निकाला ना बढ़िया साफ नहीं है, वो एकदम अंदर घुस गया, ये डर गया एकदम, डर तो लगता ही एकदम नजदीक आ जाए। अब हम तो उसी देख के डर गया था, इतना मोटा इतना बड़ा था भाई, वो इतना मोटा भाई को गिरने से ऊपर से उठा के लाए हैं ये भी चले। हां भाई ये वही था, यही छोड़ेंगे हम लोग को, सबसे तो वही बात है समझे जंगल के बीच में ये हाथी ने तोड़ दिया, ये परसों ना ये हाथियों ने सब तोड़ दिया। अच्छा हाँ किसने? रात तो हाथियों ने, अच्छा हाथियों ने तोड़ दिया ये दीवारें आजकल यहाँ पे 70-80 हटा है। क्या है 70-80? आजकल इस जगह पे 70-80 आती हैं। अच्छा हाँ आजकल किसी एरिया में है। उधर क्या चल रहा भैया? गाड़ियाँ जा रही है, गाड़ियाँ हम उधर से आ गए। एक नंबर का साइज भाई, अभी वो बता रहे थे पिछली पीछे वो कि उनके पीछे लियोपार्ड लग गया था ना भैया, लियोपार्ड देखा हुआ ना उनको, उन पर अटैक करना अटैक करने आ गया था, कुछ भी हो सकता जंगल में। कह रहे थे भैया लियोपार्ड जो नाना था ना वो मिला उनको, हाँ जोड़ में था बैठा हुआ छाव में, छाव में बैठा हुआ इस समय जंगल के अंदर जो मक्खियाँ लग रही है ना, हाँ आँखों में जो मक्खियाँ घुसती हैं वो लगती हैं, इसलिए वो बाहर आगे बैठा हुआ था, इसलिए बाहर आगे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया गाड़ी आई ना, डिस्टर्ब हो गया इसलिए वो थोड़ा अटैक कर रहे मूड में आ गया। वैसे करते नहीं है बातें सामने, वैसे नहीं करते, वैसे अटैक नहीं करते, वैसे नहीं करते, उसको परेशानी आई तो मक्खियों ने परेशान कर दिया इस वजह से। ऐसा खड़ा जैसे थे वो खड़ा हो किंग कोबरा ये तो भाई किंग कोबरा है वो था भाई, जबरदस्त सीन, जबरदस्त सीन था, मैंने पहली बार देखा सब खड़ा हुआ सही हो।
बात है भैया, मैंने भी पहली बार देखा इतनी नजदीक से। इतना बड़ा फंता उसमें, क्योंकि बहुत बड़ा भैया। हाँ वो पीछे ही पीछे ही जहाँ मैं रुका था ना, ये पुलिया आया उससे पीछे ही बनवा रहा हूँ। नहीं है बस ये अपना, ये देखते हैं और अपना निकल जाता है अपने रास्ते। ये परेशान करने वाले सांप नहीं होते, किंग कोबरा सबसे अच्छे सांप होते हैं, सांपों में सबसे बढ़िया होते हैं ऐसे, मतलब व्यवहार इनका वो जो नेचर होता है ना वो सबसे बढ़िया नेचर है किंग कोबरा का। अच्छा देखिए आपको तो आपका वो नहीं आएगा बाकी अटैक करने से, अगर आप जाओगे उसके पास छेड़ने जाओगे तो आएगा अटैक करने, नहीं तो ये नहीं आता अटैक, खम खा नहीं करता, देख करके चुपचाप देख करके निकल जाता। अभी देखा होगा आपने, अभी देखा था, हमारे बिल्कुल पास में था ये और हमें देखा और अपना भाग्य कितनी तेज भागा, कितनी तेज भागा। मजा आ रहा भाई, बड़ा भाई पूरा नजारे धोनी के नाराज में नजारे ले रहे, धोनी भाई जिंदाबाद, धोनी भाई जिंदाबाद, धोनी भाई बस बस। अच्छा रात को जानवर ना रास्तों में चलता है, इन रास्तों में ये इसलिए कैमरे लगाए हैं, जैसे कैसे कोई भी आएगा जाएगा सब उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा कैमरे में, टाइगर लेपर्ड वगैरह एलिफेंट्स जितने भी जानवर हैं, या कोई बाहरी आदमी आ जाए तो उसके लिए सबके लिए कैमरा। अच्छा भैया सुपरविजन होता रहता है, वाइल्ड सुअर भागे भागे कितनी स्पीड से गया। शेर आ गया भाई, हाथी बहुत है यहाँ, हाथी दिख रहे हैं जंगल में, हाथी इस समय इस जंगल में टस्कर देखो, वो टस्कर है दांत वाला, ये खतरनाक होता है अटैक, ये बड़ा होता है, अभी तो छोटा है ये, हाँ ये बहुत बड़े बड़े होते हैं टस्कर जी, दांत वाला ये, हाँ ये देखो भाई हाथी मारे ही ना, भाग गए वो अंदर की, भाग गए पानी पी रहे थे, वो चला गए ना लेट रहे थे पानी में, भाग गए गाड़ी चला गए ना उधर, कोशिश जारी है भाई, सोचते हैं कि टाइगर मिल जाए, दिख जाए कहीं ना कहीं, यहाँ पर टाइगर भी आता पानी पीने से, दिखा सर कुछ दिखा, ये इतना बढ़िया माहौल था, चल जा हाथी करने के आते, शूटिंग चल रही है यहाँ पर मोतीचूर में। अच्छा तो यहीं छोड़ता है पहले दो तीन दिन के लिए। अच्छा इसी यहाँ भी आने वाला है कुछ दिनों में, एक टाइगर और वहाँ से शिफ्ट होने वाला है, वो सामने वो भी नई मचान बनाई ना काम कर रहा था, वो कैमरा लग रहा है उसके लिए देखने के लिए, हेड ऑफिस से कनेक्ट हो जाएंगे सारे कैमरे को। अच्छा तो वो मचान बनाएंगे नहीं ऊपर देखो, वो आदमी काम कर रहे हैं जोड़ रहे हैं ना पूरा सिस्टम जोड़ रहे हैं कैमरा। कॉर्बेट टाइगर बहुत सारे हो गए भैया, कॉर्बेट में टाइगर बहुत सारे लेकिन दिखते भी उस हिसाब से नहीं है क्योंकि घना जंगल है ना वहाँ भी, उत्तराखंड के जंगल घने जंगल है, यहाँ शिफ्ट करें वहाँ से टाइगर बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे भैया, वहाँ तो बहुत टाइगर है, बहुत दुनिया में नंबर वन पे है कॉर्बेट, अब वहाँ पर टाइगर तो कम से कम तो 300 होंगे कम से कम, 300 सर इसका मैंने आई तो नहीं थी, सर इसका मतलब 50 कह रहे थे, हाँ सर इसका मतलब। पेड़ के सामने देखो ये पेड़ ना बिल्कुल इसका ही इसमें देखो, ये हाँ सही कह रहे सेम ये चढ़ा ये वो जगह इससे ही बिल्कुल यहीं से वीडियो बनी है सामने से इसकी, अरे देखो टाइगर इससे रोरेन देखा है, रोरेन देखा है यो रोरेन देखा, देख देख ऊपर बैठ गया, देख 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 ऊपर बैठ गया, बहुत भारी है बिल्कुल सामने था ये, इस तरफ नदी है
और यहाँ हो सकता है चांसेस हो कि साइड सीइंग हो जाए। दोनों साइड पहाड़ है, बीच में से रास्ता है। ये यह हमने यहाँ से बारिश होती है जब ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा पानी आता है। ये कैमरे लगाए हुए हैं जगह जगह रास्तों में हर जगह लगा रखे हैं। ये यहाँ भी लगा है, रात को इसमें शेर या जो भी जो जंगल की एक्टिविटी पता लग जाती है इनको इससे। ये सैटेलाइट कैमरे भी हैं, वैसे कैमरे भी नाइट विजन वाले कैमरे हैं। शेर गया तो बता ले ये डाला मेरे ऐसे यही रहना है, फिर से स्पोर्ट में। जितने भी है ना समय समय पर यहाँ पर आते हैं पानी पीने। अच्छा, खास करके सुबह और शाम को ना, दिन में हाथी बहुत आता है पानी पीने। नहाने का शौक होता है ना उनको, तो ज़्यादातर यहीं पे आते हैं नहाने। टाइगर भी आते हैं? हाँ, समय समय पर आता रहता है। टाइगर के लिए और भी पानी पीने की चीज़ है ना जगह, लेकिन स्पेशली हाथियों की मान लो आप, नहाने का शौक होता ना हाथियों को। हाँ, यहाँ ज़्यादा पानी होगा ना। हाँ, ये नदी सही है भाई, यहाँ भी 24 मिनट कुछ जंगल गई। पहले पता घर से ओडमोस लेके आते हैं हम। भाई और बहुत ठीक है सारी चीज यहाँ, लेकिन यहाँ मच्छर बहुत ज्यादा है। सिर पे गोल्ड टोपी पहन गया हो, एक आदमी कम से कम दो डिब्बी लगानी पड़ती है ओडमोस की, तब जाके मच्छर आते हैं। सबसे बुरा हाल है भाई मच्छरों का यहाँ, और सारी चीज देखी जाएगी। जब पार्क बंद हो जाता तो यहीं पे बीच रोड में इतना बड़ा अजगर पड़ा हुआ था, पूछा यहीं बीच रोड में, और मुझे बिल्कुल सामने मिला, दिखाओ दूसरे ने दिखाओ उसको, तो वही पता नहीं चला दिखाई, मुझे बिल्कुल सामने मिला वो। चला गया आपने दिखाई जब? हाँ, चले गया था फिर। क्या हो गया? हाँ, जंगल में घूमने का अपना ही स्वाद है। नहीं है भैया, अलग ही स्वाद है जंगल का, अलग मजे भाई, अलग ही मजे। जानवर भी सही सारे देख लिया, और ऑक्सीजन लेवल पूरा 100% है, बहुत फ्रेशनेस आती है, बहुत अच्छी अंदर से। हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में ना सबसे मतलब ज़्यादा जंगल ही है, 70% जंगल है फॉरेस्ट उत्तराखंड में। हाँ, 30% आबादी है, 70% जंगल है। कॉर्पोरेट और राजस्व मिलाकर भी 5-10% इससे लोगों के लिए है, 5-10% ही लोगों के लिए खुला हो, बाकी सब बंद किया हुआ है ना। हाँ, परमिट के हिसाब से है ना, परमिट उन्होंने अब क्या हुआ गाड़ियों की लिमिटेशन डाल रखी है। बाहर निकलते निकलते भाई, मेरे को भी बहुत मजा आया ऐसी ऐसी चीज देखने के लिए, भाई आज तक कभी इतनी नजदीक से नहीं देखी। सबसे बड़े वो किंग कोबरा जो दिखा था ना, किंग कोबरा सबसे यादगार तो होगा, सबसे नजदीक से वो दिखा था। खड़ा होया एकदम फन फन लागन है, उत्तरा बोला कोबरा भाई।